उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ में दिन दहाड़े दो बाइक सवार तीन बदमाशों ने तबड़तोड़ गोली बरसाकर एक युवक को मौत के घाट उतार दिया और मौके से फरार हो गए। क्षेत्र में इस घटना के बाद सनसनी फैल गई। सीधे संवाददाता रिजवान का रुख करते हैं। रिजवान, क्या है ये पूरा मामला, जरा विस्तार से हमारे दर्शकों को बताएंगे? देखिए, ये उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ में दिन दहाड़े फिल्मी अंदाज में दो मोटरसाइकिल सवार तीन बदमाशों ने यादव, एक युवक की, मुनीब यादव की सुबह ताबड़तोड़ गोली बरसाकर मौत के घाट उतार कर पूरे क्षेत्र में सनसनी फैला दी। रिजवान, जहां योगी सरकार बड़े बड़े दावे कर रही है, आए दिन उत्तर प्रदेश में इनकाउंटर अभियान भी चला रखा है, लेकिन ऐसी तस्वीर आना सिस्टम पर तमाचा नहीं है? देखिए, जहां उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के दावा है और प्रयास है कि बदमाशों का खात्मा हो, लेकिन बदमाश उसके बाद भी एक का बढ़कर एक ताबड़तोड़ संगीन वारदातों को अंजाम देकर हो रहे हैं फरार, वहीं पुलिस का खौफ कम होता नजर आ रहा है। रिजवान, क्या इन बदमाशों में से कोई पुलिस ने गिरफ्तार भी किया है? अभी तक कोई गिरफ्तार नहीं किया है। मुनीब यादव, जिसकी दिन दहाड़े फिल्मी अंदाज में ताबड़तोड़ गोली बरसाकर मौत के घाट उतार दिया था, तीन दिन पूर्व उसके एक साथी अखिलेश पर भी जानलेवा हमला किया गया था, बदमाशों ने उसको भी गोली का निशाना बनाया था, वो भी जिंदगी और मौत से लड़ रहा है। ना तो उसी मुकदमे में किसी आरोपी को गिरफ्तार किया गया है, ना ही इस मुनीब यादव हत्याकांड में किसी को गिरफ्तार किया गया। शुक्रिया रिजवान, आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। बात करते हैं भिवंडी शहर के पिराना पाड़ इलाके की, जहां पर चार मंजिला इमारत गिरने से अफरा तफरी मच गई। बड़ी बात यह रही कि बिल्डिंग को दिन में ही खाली कर दिया गया था। सीधे संवाददाता मुस्तकीम खान का रुख करते हैं। मुस्तकीम खान, कैसे गिरी ये चार मंजिला इमारत और कितने लोगों की मौत हुई इस घटना में? देखिए मुशर्रफ जी, ये जो बिल्डिंग गिरी है, ये जो इमारत गिरी है, ये सिर्फ लोगों का कहना है कि चार से पाँच साल हुई बन के, कुछ लोगों का कहना है कि ये 8 से 10 साल हुई, लेकिन सवाल ये खड़ा होता है कि इतनी जल्दी इस बिल्डिंग की हालत ऐसी क्यों हो गई कि आखिर लोगों की इसमें जान चली गई? आखिर इसमें क्या कैसा मटेरियल यूज किया गया था इस बिल्डिंग के अंदर, जो इतनी जर्जर हालत में बिल्डिंग थी, आखिर उस वक्त नगर पालिका कहाँ थी? मुस्तकीम, क्या पहले से ही इस बिल्डिंग में रहने वाले लोगों को जानकारी थी कि बिल्डिंग कभी भी गिर सकती है और कोई भी बड़ा हादसा हो सकता है, इस पर क्या कहेंगे? जी, उनको जानकारी जो है नगर पालिका ने दी। एक दिन पहले उनको ऐसा लगा कि बिल्डिंग में कुछ भी हादसा हो सकता है, तो आनन फानन में कुछ लोगों ने, भारी तादाद में लोग उसमें रहते थे, लेकिन खाली कर दिए। बचे कुछ सामान वगैरह वहाँ पर रखे थे, उसको लेने के लिए कुछ लोग बिल्डिंग पर चढ़े और उसी वक्त ये हादसा हो गया। मुस्तकीम, अगर आपकी अधिकारियों से बात हुई हो इस पूरे मामले पर, अधिकारी क्या कुछ कहते नजर आए हैं? प्रशासन का जहां तक सवाल है, तो भिवंडी शहर में कई हादसे इससे पहले भी हो चुके हैं, लेकिन ना अभी तक नगर पालिका को नसीहत मिली है, ना तो महाराष्ट्र के सीएम साहब अभी तक ये कदम उठा पाए कि इनको नसीहत दे दें। ऐसी घटना इससे पहले भी हो चुकी है, लेकिन कड़ा कदम अभी तक नहीं उठाया गया इस पर। शुक्रिया मुस्तकीम, तमाम जानकारी साझा करने के लिए। करखल के वनखंडेश्वर धाम दुर्गा देवी मंदिर देवी रोड पर धूमधाम से मनाया जा रहा है श्री कृष्ण जन्म उत्सव। ज्यादा जानकारी के लिए उमाकांत का रुख करते हैं। उमाकांत, दुर्गा देवी मंदिर रोड पर जन्म उत्सव धूमधाम से मनाया जा रहा है, इस पर क्या कहेंगे आप? सर जी, इस पर हम बताना चाहेंगे, इस समय जो श्री कृष्ण जन्माष्टमी हमारे यहाँ जो मनाई जा रही है करेल में, वो बहुत ही उल्लास से मनाई जा रही है। यहाँ पर कोई हिंदू मुस्लिम वाला कोई वाद नहीं है, यहाँ सीधे दोनों लोग एक दूसरे को जन्माष्टमी में शामिल होते हैं, और ये वो लोग जन्माष्टमी मना रहे हैं जो अपनी मेहनत मजदूरी करके कार्य करते हैं, और उन्होंने इतना रुचि रहती है इस प्रोग्राम के लिए, उन्होंने कई आकर्षक झांकियां निकाली है। प्रशासन का भी खूब सहयोग रहा है यहाँ, और अच्छा वो करते हैं, इससे लोगों को ये संदेश भी जाता है। जहां तक देखने को ये भी मिला है कि डीजे जो बंद किया गया, डीजे का भी असर इस बार दिखा है जन्माष्टमी पर, डीजे की वजह से कई झांकियां नहीं लग पाई और जगह, लेकिन यहाँ दुर्गा देवी मंदिर पर इतना अच्छा कार्यक्रम हुआ है, लोगों को देखने की भीड़ बहुत जुटी है। उमाकांत, जन्म उत्सव के मौके पर बिजली की रंग बिरंगी आकर्षक झालरों से मंदिर को सजाया गया है, दर्जनों आकर्षक झांकियां भी प्रस्तुत की गई हैं, इस पर क्या कहेंगे आप? इस पर सर
बताना चाहेंगे कि इस पर जो दर्जनों झांकियां रंग बिरंगी लगाई गई हैं वो कमेटी के सदस्यों द्वारा लगवाई गई हैं। इससे लोगों को एक रुझान बढ़ता है और भगवान की लीलाओं के बारे में उन्होंने विस्तार से बताने के लिए झांकियां सजावट की है। ये बच्चे और इसमें जो भी लोग हैं वो देखने को देखते ही बनते हैं। कई ऐसी झांकियां लगाई गई रंग बिरंगी जिसमें व्यक्ति गर्दन जमीन के अंदर रसा हुआ केवल गर्दन दिखाई पड़ रही है। ऐसे कई अद्भुत नजारे हैं और बाल लीलाओं के बारे में चित्रण किया गया जो पहले जो पुरातन धर्म में किया गया था उसके बारे में बहुत जानकारी विस्तार से बताई गई। शुक्रिया उमाकांत तमाम जानकारी साझा करने के लिए। घटना महाराजगंज जिले के सिसुआ निचलोल मार्ग की है जहां बीती रात 12 बजे के करीब अनियंत्रित डीसीएम ने रास्ते पर चल रहे बेजुबान पशुओं को रौंदा जिसमें 7 पशुओं की मौके पर ही मौत हो गई। और ज्यादा जानकारी के लिए अनुराग तिवारी हमारे साथ ऑनलाइन पर जुड़ चुके हैं। अनुराग क्या मामला है जरा विस्तार से बताएंगे। जी सर बिल्कुल, आपको बता दूं उत्तर प्रदेश के महाराजगंज जनपद में 21 तारीख को बीती रात तेज रफ्तार अनियंत्रित डीसीएम ने 10 बेजुबान पशुओं को रौंद दिया है जिसमें 7 की मौके पर ही मौत हो गई है। तो वहीं एक पशु घायल अवस्था में दौड़कर पास की नहर में गया जहां डूबने से उसकी भी मौत हो गई। तो 2 पशु सड़क के किनारे जो है तड़प रहे थे। जी अनुराग, रात के 12 बजे पशुओं को इस तरह से रास्ते पे से ले जाना पशु तस्करी जैसी घटना को अंजाम तो नहीं दिया जा रहा था। जी सर बिल्कुल मैं बता दूं इसके पहले जो है लगातार महाराजगंज जनपद की हम बात कर ले तो पशु तस्करी ऐसी घटना जो है सामने आती रही है। और कहीं ना कहीं रात के 12 बजे इस तरह से बीच हाईवे सड़क पर जो है इस तरह से पशुओं को ले जाना बड़ी पशु तस्करी की घटना की तरफ जो है ये रुख कर रहा है। अनुराग, रात को 12 बजे अगर अनियंत्रित डीसीएम सड़क से गुजर रही है इसी दौरान उस रास्ते पर पुलिस भी गश्त करती होगी, क्या इसी दौरान अनियंत्रित ट्रक को नहीं रोका गया जिससे ये बड़ी घटना हुई? रास्ते पर जो है वहाँ पे रात को गश्त भी की जाती है लेकिन यहाँ पर एक जो है लापरवाही देखने को सामने आई है जो अनियंत्रित ट्रक का, जो हालांकि कह सकते हैं ड्राइवर ने कहीं ना कहीं जो है अनियंत्रित स्पीड से जो है ट्रक को ले जाया गया है जहाँ पर जो है 10 पशुओं को रौंद दिया। तो पुलिस प्रशासन की इसमें जो है एक बड़ी कमी यहाँ पर देखने को मिली है। शुक्रिया अनुराग तमाम जानकारी साझा करने का।